टाइम क्या हो रहा है? 12। चाय खत्म? हाँ, एक गिलास। एवरीवन गुड मॉर्निंग, एवरीवन गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। तो आज है करवा चौथ और आप सभी को हैप्पी करवा चौथ। और थोड़ा सा कैमरा सही नहीं आ रहा है। एवरीवन गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल और हैप्पी करवा चौथ। तो आज है करवा चौथ और आप सभी को करवा चौथ की बहुत 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 ढेर सारी शुभकामनाएं। मेहंदी मेरी लग चुकी है, पूरे हाथ में है, पैर में भी मैंने लगाई है। तो भी लास्ट में दिखाऊंगी, जब मैं आंटा लगाऊंगी ना तब दिखाऊंगी। तो बस आज का ब्लॉग बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। और थोड़ा सा काम कर रही हूँ तो इधर से उधर जो है आना जाना लगा है। वन सेकेंड। तो अभी मैं जा रही हूँ खाने की तैयारी करने। मुझे खाने में क्या क्या बनाना है वो सारी तैयारी करके रख दूंगी। और उसके बाद 3, 3:30 या 4 बजे से मैं सोच रही हूँ बनाने के लिए खाना शुरू हो जाऊँ लग जाऊंगी। पता नहीं क्या क्या बोल रही हूँ, सच में खाना बनाना शुरू कर दूंगी। तो 5, 5:30 या 6 तक, 5:30 तक तो नहीं, 6 या 6:30 तक जो है बन जाएगा। और देखिए अभी हो रहा है कम से कम 5:30 या 6 बजे का टाइम। मेरा खाना बन चुका है, मैंने बनाई है आलू दम और सॉरी मटर पनीर की सब्जी, खीर, और क्या बनाया है, हाँ फरा, ये बन चुका है। और भी मैंने कुछ बनाया है नहीं, बस इतना ही बनाया है। आलू दम है, खीर है, पूड़ी है, फरा है, हाँ बस इतना ही है। तो अभी पूड़ी मुझे बनानी है, फरा मैंने जो है बना दिया है। और यहाँ पर ये जो सारे बर्तन थे ना, वैसे मैं एक बार इनको साफ़ कर चुकी थी, लेकिन मैंने फिर से कहा देख लेती हूँ कोई चीज़ कम तो नहीं है। इस गत्ते में भर कर मैं रख देती हूँ साल भर के बाद, तो फिर ये मौका आता है जब ये बाहर आता है। तो यहाँ पर मैंने देखिए भगोने में मैंने पानी लिया है और इसको मैंने जो है थोड़ा सा हल्के हाथ से ना ऐसे गीले कपड़े से मैं इसको साफ़ कर दे रही हूँ, क्योंकि पोंछना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे मैं इसको साफ़ करके हर बार रखती हूँ और निकालती हूँ तो फिर दोबारा से साफ़ करती हूँ। और मेरी थाली, प्लेट और करवा कैसा लग रहा है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत अच्छे से मैंने सजाया हुआ है, तो सारा कुछ मैंने इसका पूरा का पूरा बर्तन ही मैंने अलग किया है। 2 लोटे मैंने बनाए हुए हैं, 2 कटोरी बनाई हुई है मेरे पास, 2 करवा भी है, और एक जो है ये यहाँ पर अगरबत्ती लगाने वाला है। चलनी मेरी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है, मुझे बहुत अच्छी लग रही है, आपको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो फटाफट ये सारा तैयारी करके रख दूंगी ना, तो थोड़ा सा आराम मिल जाएगा। और यहाँ पर देखिए हमने जो है सारा चीज़ अच्छे से साफ़ कर दिया है। उसके बाद अभी मैं जो है इसमें चावल और सॉरी वो चूड़ा और लइया और गट्टा वगैरह करवा में भरा जाता है ना, तो वही सारा इंतजाम करके रख दूंगी। तो बहुत सारे लोग गेहूँ डालते हैं, बहुत सारे लोग पानी डालते हैं, तो यहाँ पर मेरे यहाँ जैसे होता है ना, मैं उस हिसाब से मैंने जो है कोशिश करी है कि मैं सेम उसी हिसाब से करूँ। और ये इस बार ना मेरा तीसरा करवा चौथ है, तो 2 बार मैंने जैसे किया है ना, मैं सेम वैसे ही करती हूँ। तो सबका पूजा करने का अलग अलग तरीका होता है, तो हम लोग के यहाँ जो है यही तरीका अपनाया गया है, तो यही हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने दोनों करवा में जो है ना चूड़ा लइया गट्टा जो होता है ना वो सारा डाल दिया है, और 2 लोटे में पानी रहेगा, एक मेरे पीने के लिए और एक होता है ना अर्घ देने के लिए, जल चढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर देख लीजिए सारी तैयारी मैंने करके ला के रख दी है, बस फूल माला पान ये सारा कुछ बचा है, बाकी मैंने सब कुछ रख दिया है। प्रसाद अभी मुझे कट करना है, सेब केला, और ये देखिए मेरा भाई अभी बस तुरंत ही आया था और मैं यही सब तैयारी कर रही थी, तो वो पायल बिछिया और पैसा लेकर आया था, मामी भिजवाई थी, तो वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिया है, आप लोग इसको भी देख लीजिएगा। और उसके बाद मेरा सारा काम ख़त्म हो गया है, पूड़ी भी मैंने बना ली है, पति देव ने कहा बना लो, क्योंकि पूजा करने के बाद इतना ज़्यादा थक जाओ ना फिर तुरंत पूड़ी वूड़ी बनाने का मन नहीं करता है। तो मैंने फटाफट पूड़ी बनाया, उसके बाद आलता और नेल पेंट लेके बैठ गई, क्योंकि मैंने आलता भी नहीं लगाया था, नेल पेंट भी नहीं लगाया था, तो मैंने कहा अभी मेरे पास टाइम है फटाफट लगा लेते हैं। और पतिदेव ना आज थोड़ा सा जल्दी आ गए हैं, 5 बजे वो आ गए हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि अकेले मैं कैसे करूँगी, छोटा सा बेबी है तो थोड़ा सा मुश्किल तो हो ही जाता है बच्चे के साथ करना, तो इसलिए जो है वो भी जल्दी से आ गए हैं। तो
मेरा काम ना थोड़ा सा और आसान हो गया, नहीं तो मैं सच में परेशान हो जाता। उनके आने से ना सारे काम और जल्दी जल्दी हो रहे हैं। बस वैसे सारा खाना वाना बन चुका है, सारी तैयारी मेरी हो चुकी है, आलता भी मेरा लग चुका है, नेल पेंट भी मैंने लगा लिया है, बस हाथ में लगाना है, तो फटाफट तो हाथ में भी लगा लूँगी और मेरा सारा काम जो है ख़त्म हो जाएगा। मेरी मेहंदी कैसी लग रही है ज़रूर बताइएगा। फर्स्ट करवा चौथ में ना मैंने बहुत अच्छी मेहंदी लगाई थी, उसका ब्लॉग भी जो है मैंने अपलोड किया है, आप लोगों ने नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा। और ये वाली पायल देखिए, अभी मैंने आपको शायद इसके पहले दिखाई है, नहीं दिखाई है, ये मामी मेरी भेजी है करवा चौथ के लिए पायल और बिछिया, बहुत ही खूबसूरत डिजाइन है, बहुत ही अच्छी लग रही थी तो मैंने यही वाली पहन ली थी। और न्यू पहनी जाती है पायल बिछिया, तो मैंने यही वाला पहन लिया था और बस बहुत अच्छा लग रहा था। और अगले वाले करवा चौथ में भी मामी ने भेजा था तो वो वाला मैंने पहना था, पूरे साल वो पहना, अब पूरे साल ये पहनूंगी तो बस बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी मैंने करवा चौथ में पायल बिछिया एक बार भी नहीं खरीदा है, मामी के यहाँ से आ जाता है तो वही पहन लेती हूँ। और यहाँ पर देखिए, चलिए मैं बताती हूँ क्या मैंने बनाया था। तो यहाँ पर आलू दम जो है यहाँ पर बन रहा है, तो मैं कोई रेसिपी वगैरह नहीं शेयर कर रही हूँ, बस मैंने बहुत जल्दी जल्दी से बनाया था क्योंकि आज का दिन पूरा बिजी रहता है, सबको पता है बहुत ज़्यादा बिजी वाला रूटीन था, तो इसलिए जो है मैंने जो भी बनाया वो आप लोग के साथ शेयर कर दिया। यहाँ पर आलू मेरी फ्राई हो रही है, थोड़ी सी फ्राई करके मैंने रखा है, थोड़ा सा फ्राई हो रहा है, मसाला बहुत ही अच्छे से भूजा है, बहुत टाइम लगा मसाला भूनने में। तो यहाँ पर वैसे मेरा कोई भी सब्जी बनती है ना, मसाले साले एक सारे जो एक जैसे रहते हैं, और पति देव जब बनाते हैं ना तो उनके सारे मसाले अलग अलग रहते हैं, पता नहीं क्यों ऐसा, क्यों मुझे नहीं पता, वो पता नहीं क्या क्या डालते हैं। और मैं एक ही सब्जी में बस थोड़ा बहुत, जैसे पनीर हुआ तो पनीर मसाला, या छोले हुआ तो छोले मसाला, बस मेरा यही जो है चेंज रहता है, बाकी सब एकदम सेम जैसा, सेम टू सेम रहता है। लेकिन सब्जी वगैरह ना बहुत ही टेस्टी बन जाती है सच में। तो यहाँ पर बन चुका है मेरा जो है आलू दम, और अभी जो है यहाँ मैं पानी वगैरह बिल्कुल भी मैंने नहीं डाला था, बस सूखा सूखा था क्योंकि रसेदार एक सब्जी थी ही। तो यहाँ पर बन रही है मटर पनीर, और इसका मसाला भी देख लीजिए एकदम सेम ही है। तो यहाँ पर मैंने मटर वगैरह धुल कर रखा था, पनीर वगैरह कट करके पहले से रख लिया था, तो बस फटाफट मटर पनीर बन जाएगी। पूरी का आटा मैंने लगा लिया है, और इसके बाद, इसके पहले मैंने ना फरा बना लिया था क्योंकि फरा बनाने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और अकेले बनाओ तो और ज़्यादा टाइम लगता है, तो फरा मैंने बना के रख लिया था। उसके बाद मैंने सोचा सब्जी लास्ट में बनाऊंगी, तो अभी जब मैं बना रही हूँ तो 4:30, हाँ 4:30 बार बज रहे थे, तो ये सब्जी बन रही है, इसके बाद मैंने पूरी बनाई थी। तो बस चलिए फिर, मेरा सब्जी भी बन चुका है दोनों, चावल भी मैंने बना लिया है, पूरी भी मैंने पहले ही बना ली है क्योंकि जब पूजा उजा करो ना थोड़ा सा लेट हो जाता है, फिर फोटो वोटो खिंचवाओ और लेट हो जाता है, फिर उसके बाद ना बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है, तो इसलिए पति देव ने कहा कि बना के रख दो। और वैसे भी जिस दिन व्रत रहो ना उस दिन बस पानी के सिवा कुछ और खाने का बिल्कुल भी मन भी नहीं करता है, तो मैं भी पानी बहुत ज़्यादा पीती हूँ, और मीठा, अगर एक मीठा खा लो, पानी पी लो तो पेट तो ऐसे ही भर जाता है, फिर दूसरे दिन ना थोड़ा बहुत खाया जाता है, नहीं तो उस दिन तो बिल्कुल भी नहीं खाया जाता। तो बस खाने में मैंने इतना सारा कुछ, तो यहाँ पर सारी व्यवस्था मैंने जो है कर ली है, सारा कुछ रेडी है, ये देख लीजिए, ये है पेड़ा, ये है जो चांद और सूरज बनता है ना वो है। यहाँ पर मुझे घी डालना है, और ये प्रसाद के लिए है, ये जो है सुपारी और गौर है, वहाँ पर फोटो है, यहाँ पर फल है चढ़ाने के लिए, और इसी में मैं रख ले रही हूँ फूल। और साथ में है पान का पत्ता, तो सारी तैयारी मैंने कर ली है। पर ये देखिए, यहाँ पर अभी की जो है ड्रेस मैंने ये वाली निकाली है क्योंकि बहुत ज़्यादा इसको इरिटेट हो जाता है अगर हैवी ड्रेस इसको पहना देते हैं तो एकदम न्यू ये है, तो मैं सोच रही हूँ उनको ये वाली पहना देती हूँ। और यहाँ पर अपना डायपर और सब कुछ लेकर ये खुद ही बैठ चुके हैं, तो चलिए इनको पहना देते हैं, उसके बाद मुझे भी जो है तैयार होना है। तो बस मेरा बच्चा देख लीजिए तैयार होकर बैठा है, और मैंने इनकी थोड़ी सी क्लिप ले ली, तो करवा चौथ वाला ब्लॉग कल ज़रूर देखिएगा, बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय फ्रेंड्स।